मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद। ना बिकने वाली ना झुकने वाली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज हमारा जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से योम कश्मीर 5 फरवरी के ऊपर जो है कराची की जमात की तरफ से जो है वो एक भरपूर शानदार जो है वो कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। और इंशाल्लाह जो हमारी ये रैली है ये अलाफी से शुरू होगी और मज़ारे कायम से इंशाल्लाह हमारी रैली पहुँचेगी। जी जनाब, ये रैली कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? जी आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से NA 235 के दफ्तर से ये हमारी कश्मीर रैली का इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि आज 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज, रैलियाँ और उनके हक में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी कराची में NA 235 के तहत आज एक अजीम शान रैली का आगाज़ करेगी। हमारा ये रैली का करने का मकसद ये है कि इस वक्त कश्मीर जो है वो 76 साल हो गए, वो अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं और कई मरतबा अक्वामे मुत्तहिदा ने उनको हक़ खुद अरादियत भी दिया है, मगर इंडिया के जुल्म और सितम और उनकी बर्बरियत जो है ना वो गालिब रहती है और आज तक कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी नहीं मिल सका, जबकि उसके बाद कई लोगों को हक़ आज़ादी मिला गया लेकिन कश्मीर को नहीं मिला। तो हम इस बात का ऐलान और इजहार करने आए हैं कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ये जवान, ये कारकुनान अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। अखलाकी और सफारती जो भी उनके साथ मदद कर सकते हुए हम इंशाल्लाह लाजमी करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जना जो कि हमारे कायदे आज़म हैं उनका ये फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरगाह है और जब तक ये शाहरगाह हिंदुस्तान से छुड़ा नहीं ली जाती हमारी इंशाल्लाह ये स्ट्रगल और कोशिश जारी रहेगी। तेरे जो मर्द मुजाहिद लगता है कराची के जवानों को जोड़ के हर दम रखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद TMML जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।